रेस, किस चीज की रेस? घोड़ों की रेस, राइट? मुझे एक बार बताओ, कभी गधों की रेस होती है? तो फिर नेटवर्क में गधे लाते क्यों हो? जो व्यक्ति कहता है कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं प्रोडक्ट खरीद लूंगा, नेटवर्क नहीं बना सकता, मेरे से प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, वो 2000 रुपए के प्रोडक्ट लेता है, आप कहते हो एप्लीकेशन फॉर्म साइन कर दो, आप डिस्ट्रीब्यूटर भी बन जाओगे। जिन लोगों ने इस बिजनेस में अंदर आके काम नहीं करना होता और जिनकी रजामंदी नहीं होती, जब जबरदस्ती हम उनको इस बिजनेस में लाके एप्लीकेशन फॉर्म भराते हैं, तो वो गधे हैं जिनकी आप रेस दौड़ाना चाहते हैं। वो लोग जो सिर्फ हमारे ग्राहक थे और हम उनको डिस्ट्रीब्यूटर बना देते हैं, उसके बाद उम्मीद करते हैं कि वो भी काम करेंगे, वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो रेस के घोड़े नहीं हैं। वो आपके ग्राहक हैं, आप उनको ग्राहक की तरह सर्विस करो, पर अगर रेस जीतनी है तो अपने नेटवर्क में घोड़े लाओ। क्या कोई भी घोड़ा रेस हॉर्स बन सकता है? जो रेस हॉर्स बनता है उसका बचपन से, जब छोटा घोड़ा होता है तब उसका चुनाव किया जाता है, 3 से लेकर 4 साल तक उसको ट्रेनिंग दी जाती है हर रोज। यह नहीं कि महीने में 3 घंटे ट्रेनिंग दे दी अब रेस हॉर्स बनेगा, नहीं बनेगा। अगर आपको रेस हॉर्स बनना है तो आपको हर रोज अपने आप को ट्रेन करना है, क्योंकि मैं हमेशा यह कहता हूं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। जो आप रेस हॉर्स बनना चाहते हो, अपनी जिंदगी की रेस जीतना चाहते हो कि राहुल मकरानी जी की तरह आपका भी चेक 10 लाख रुपए से ऊपर हो, निक चंदोरा या हमारे बारिक जी, अगर इनके जैसे लीडर बनना चाहते हो तो हर रोज अपने आप को ट्रेन करो। 3 से लेकर 4 साल तक इस घोड़े को ट्रेन किया जाता है, इसको खाद्य पदार्थ खाने में वो चीज दी जाती है ताकि जो उसको शक्तिशाली बनाएंगी, यानी कि जो आपके लिए भोजन है वो है एजुकेशन, जो आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएगा वो रेस जीतने के लिए। घोड़े को इतना नहीं खिलाते कि इतना मोटा घोड़ा हो जाए लोग कहें जी खाते पीते घर का घोड़ा है। मोटा घोड़ा कभी रेस जीत सकेगा? नो, राइट? ऐसा जो आपने करना है, जो आपने रेस जीतनी है, तो अपने साथ घोड़े लेके आने हैं। घोड़ों की परिभाषा यानी उनका चिन्ह क्या होता है? लीडर। ये नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आप कहीं 5 दोस्त खड़े हो गए, उसके अंदर एक आदमी होगा जो सबसे ज्यादा बोल रहा होगा और सबको बात कर रहा होगा, लोग उसकी बात पे हंस भी रहे होंगे, स्माइल भी कर रहे होंगे और ध्यान से उसकी बात भी सुन रहे होंगे, वो व्यक्ति है लीडर जिसको आपने लेके आना है, राइट? जो किसी भी नौकरी में कर रहा है, बेहतरीन काम कर रहा है, अपना व्यापार कर रहा है, उसमें बेहतरीन काम कर रहा है, उसके पास बड़े सपने हैं जिनको वो पूरा करना चाहता है, इस प्रकार के लोग लाओ। ऐसा नहीं, देखो ऐसा है, जो देता है ऊपर वाला देता है, राइट? अगर हमारी किस्मत में लिखा है तो कोई छीन नहीं सकता, ठीक? पंडितों के पास जो सारे दिन जाके बताते रहो जी बताओ कब आएगा, राइट? वो लोग अपनी किस्मत खुद नहीं लिखते, वो बाकियों को डिपेंडेंट होते हैं। ऐसे लोगों से बचो। घोड़े अगर आप लीडर लाओगे, आपके नेटवर्क में हमेशा आग लगेगी। अब एक जगह मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, तो उसके बाद जब मैंने कहा कि अपने नेटवर्क में घोड़े लाओ, उसके कुछ दिन के बाद एक आदमी आया, सर आपने कहा था नेटवर्क में घोड़े लाओ, मैं तो घोड़े लाया, पर जब मैं जाता हूं उनके साथ काम करता हूं तो काम करते हैं, जब मैं वापस आ जाऊं तो वो पीछे से कुछ नहीं करते। मैंने कहा आपको कहा था कि रेस के घोड़े लाओ, शादी वाले घोड़े नहीं, राइट? शादी वाले घोड़े की आदत पड़ चुकी होती है, जब तक उसके सामने तू 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 तुड़ू तू तू तुड़ू,
ना करो, वो तब तक नहीं चलता, वो चार कदम चलता है फिर रुक जाता, क्योंकि उसको फिर चाहिए होता है तुड़ू। यानी कि ट्राई टू ब्रिंग इन पीपल जो सेल्फ मोटिवेटेड हैं, जिनका गोल और जिनकी विजन बिल्कुल क्लियर होती है।